गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों अपन आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट्स अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व। लास्टली वी हैव डन विद द टू टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा अपन ने सेपरेटली, इंडिफरेंस कर्व अपन ने सेपरेटली पढ़ा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्जेक्टली क्या था? एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है उसकी गिवन इनकम एंड प्राइसेस के अकॉर्डिंग। एंड इंडिफरेंस कर्व क्या था? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व जहां पे कंज्यूमर के पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं पर वो कहीं पे भी स्पेंड करेगा उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है अपना दैट्स अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व। एक्जेक्टली क्या है टॉपिक? तो इसमें कंबाइंड टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली इसी वे में प्रोसीड करेंगे। इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व में देयर आर टू कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड। दो कंडीशंस होती हैं, दोनों फुलफिल होना जरूरी है। फर्स्ट इज MRS XY equals to PX upon PY. Second, MRS fall continuously. Now, what does it means exactly? What does the term means? Which is the term MRS means if we substitute the one commodity for the purpose of gaining another. अगर हम दो commodity consume कर रहे हैं, apple as well as banana, ठीक है? अगर हम apple को sacrifice करते हैं banana gain करने के लिए, तो sacrifice करने पे जो banana gain किया जा रहा है सेक्रीफाइस करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होना चाहिए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर अपन कोई कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कुछ कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक से सेटिस्फेक्शन ज्यादा आएगा एक से कम आएगा। तो सब्स्टिट्यूट मतलब एक को कम करना दूसरे को बढ़ाना, लेकिन एडजस्ट करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। दैट व्हाट MRS MRS XY इज अ कमोडिटी। में जो कमोडिटी X कमोडिटी Y दो प्रोडक्ट की बात करते हैं अपन, एक X एक Y है। तो जितना हमें सेटिस्फेक्शन लेवल आ रहा है सब्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं, प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है बच्चों। होता क्या है, या तो सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा हो जाएगा या सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। अगर सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होता है उस केस में कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ एक्स एंड सेक्रीफाइस मोर ऑफ वाई, मतलब हमें जिस चीज में फायदा दिखेगा हम उस चीज को ज्यादा कंज्यूम करेंगे और पैरेलली दूसरी कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होंगे। बच्चों अपने को जहां सिंपल सी बात है, अगर हम पे दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, हम दोनों में बराबर बराबर इन्वेस्ट करे हुए हैं लेकिन हमें लग रहा है कि भाई इसमें ज्यादा फायदा होगा इसमें कम होगा, तो हम इसमें से निकाल के इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे या इसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे। सो दिस इज व्हाट, व्हेन द सेटिस्फेक्शन इज मोर तो वी विल कंज्यूम मोर ऑफ एक्स एंड सेक्रीफाइस मोर ऑफ वाई, बिकॉज पैरेलली सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। डन एवरीवन? ओके, सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है? इफ MRS XY इज लेस देन PX अपॉन PY। बच्चों वन ऑफ द सिमिलर कंडीशन, बट इसके अंदर हम X को यूनिट कंज्यूम करने के लिए Y को कम सेक्रीफाइस करेंगे। मींस समहाउ अगर हमें X में सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा लेकिन उतना सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है कि हम Y को ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करें। मतलब X को गेन अगर हमें करना है तो हम Y को सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा लेकिन क्वांटिटी कम। मतलब पहली वाली कंडीशन में हम ज्यादा वाई को सेक्रीफाइस कर रहे थे एक्स को गेन करने के लिए, बट सेकेंड कंडीशन में एक्स की एक यूनिट गेन करने के लिए वाई को कम से कम सेक्रीफाइस करेंगे। दीज आर द कंडीशंस बच्चों। ऐसा करने से हम कहीं ना कहीं इस पॉइंट को अचीव कर लेंगे। इस कंडीशन में भी इस पे पहुंचेंगे, इस कंडीशन में भी इस पॉइंट को अचीव कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट है MRS फॉल कंटिन्यूअसली। MRS फॉल कंटिन्यूअसली मींस क्या होता है बच्चों? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन That fall continuously. What does it means? Means हम ये assume करके चलते हैं, assumption, ये assume करके चलते हैं कि जो rate of substitution है ना वो अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा, तभी जाके ये दोनों conditions इसके equal struck कर पाएंगी, इसके equal या इस particular equation को achieve कर पाएंगी। आया नहीं आया बच्चों? देखो simple language में समझना है, पहले हमारे सेक्स वाई इक्वल होना चाहिए पी एक्स पी वाई के, बट ऐसा नहीं होगा। एक बार ग्रेटर एक बार लेस, अगर ग्रेटर होगा ज्यादा एक्स कंज्यूम करेंगे उसके लिए वाई ज्यादा सेक्रीफाइस करेंगे, बट अगर प्राइस ज्यादा होगी तो एक्स को कम कंज्यूम करेंगे और वाई एक्स की एक यूनिट कंज्यूम करने के लिए वाई को कम सेक्रीफाइस करेंगे। अभी क्लियर है? और सेकेंड कंडीशन MRS कंटिन्यूअसली फॉल करना चाहिए। टर्न चलिए अब इसके साथ में बच्चों एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इफ यू डू रिमेम्बर लास्टली भी अपन ने तीन आईसी कर्व्स बनाए थे, आईसी 1, 2, 3। एक बजट लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में, दैट इज अ बजट लाइन जो हमें बताती है कि हम कौन सा आईसी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो बच्चों पहले तीन कर्व बनाइएगा, फिर एक लाइन ड्रॉ करिएगा। फर्स्ट कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी एफ और जी,
और सेकेंड पॉइंट पे जस्ट टच होते हुए निकलेगी, उस पॉइंट का नाम देंगे हम ई, ठीक है। तो हमने ये कैसे बनाया, ओ एक्स ओ वाई, ये कमोडिटी एक्स है, ये सॉरी कमोडिटी ए है, ये कमोडिटी बी है, ठीक है। ओ एन जो है वो कमोडिटी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ एन ये कमोडिटी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये हमारा ई इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आईसी 1-2-3 में केवल बजट लाइन एक ऐसा कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट मतलब एक ऐसी बाधा है जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हम कौन सा आईसी सिलेक्ट करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी विल ऑलवेज सिलेक्ट आईसी 2। तो बच्चों देखो जस्ट यहाँ पे क्या लिखा है, थ्योरेटिकल इसका एक्सप्लेनेशन है। आईसी 1, 2 एंड 3 आर 3 आईसी कर्व, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व। दिस इज व्हाट आईसी मींस, इंडिफरेंस कर्व। एंड ए बी इज अ बजट लाइन, जस्ट हैव अ लुक। ये ए लिख दिया हमने नाम इसको, ये नाम दे दिया बी, ये ए बी क्या हो गई हमारी बजट लाइन, ठीक है। टेंजेंट टू आईसी 2, टेंजेंट मतलब आईसी 2 से इंटरसेक्ट, आईसी 2 से टच करते हुए निकल रही है, ठीक है, मतलब आईसी 2 को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, टेंजेंट मतलब टच करते हुए निकल रही है। दिस ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे जो ई है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। वेयर द कंज्यूमर परचेज ओ एन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए एंड ओ एन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बी, जहां पे कंज्यूमर ओ एन और ओ बच्चों ओ एम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए एंड ओ एन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बी परचेज करेगा, ठीक है। एज बजट इज, बजट लाइन इज अ कॉन्स्टेंट, वाई सो, बिकॉज बजट लाइन हमारे लिए कॉन्स्टेंट है। सो होप ये चीजें समझ में आई आपको, बच्चों पक्का क्लियर है। चलिए अब एक फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 3 स्टार लगा हुआ है, तो एक्जैक्टली ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो टेस्ट में, एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स के वेटेज के लिए, ठीक है। माइट बी आपके बोर्ड दैट व्हाट एनुअल एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स में ही एज इट इज क्वेश्चन मिल जाए, 4 मार्क्स का भी वेटेज हो सकता है, और अभी अपकमिंग हाफ ईयरली वगैरह में भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। एक बच्चों छोटी सी डेफिनेशन आई जस्ट बोल देते हैं हम आपको। MRS means हमने बताया आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक्जैक्टली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, इट रेफर्स टू, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं करनी हो आपको, इट रेफर्स टू द रेट एट विच commodities can be substituted with each other so that total satisfaction of consumer remains same। मतलब हम एक गुड को दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन है, टोटल सेटिस्फेक्शन है, वो कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट, चेंज नहीं होगा। एडजस्ट राइटिंग पार्ट क्लियर है आपको, विजिबल है प्रॉपर, ठीक है, नीचे तक ही यहाँ पे जा रहा है बस। दिस इज द लास्ट पॉइंट, यहाँ पे हमारा हो गया बजट लाइन इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब हर्डल प्रॉब्लम। सो बच्चों प्लीज राइट इट डाउन इन अ सेपरेट मैनर, एंड दिस इज वन ऑफ एन IMP क्वेश्चन, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो प्लान की है, इसके साथ में कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा रहे। आई जस्ट प्लान वन मोर वीडियो जिसमें अपन चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। हार्डली वी हैव टू कवर सम कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, एक बजट में अपन कुछ कर्व्स बना के देखेंगे राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट के, एंड सम टू मोर डेफिनेशंस, वन ऑफ MRS की नोट डाउन करा देंगे आपको बोर्ड पे, एंड वन इज अ वन टर्म मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, 1 मार्क्स का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दैट पार्ट, एंड फाइनली वी हैव डन विद दैट चैप्टर नंबर 2। होप चीजें क्लियर होंगी बच्चों, हैव अ गुड डे, थैंक यू।